आप सब, आपका बड़ा भाई आपको नमस्ते कहता है, सत श्री अकाल कहता है। अगर आज की जो वीडियो है वो ज़रूर आप देखना, अगर आप ये वीडियो देखोगे आपकी लाइफ चेंज होगी, ये गारंटी है। तो बात आज है कि अगर आप खुश रहना चाहते हो तो सिर्फ एक ही ऐसा बंदा है जिसको खुश करना है, ठीक है? तो वो मैं आज इसी को डिस्कस करता हूँ। देखो, लाइफ में आप हमेशा ये चीज़ सोचते रहते हैं कि मैं दुनिया में अपना जो है मतलब कैसे अच्छाई बनाऊं कि मेरे लोग जो है तारीफ़ें करें कि मैं बहुत अच्छा बंदा हूं। हमेशा देखो, आप कोई भी चीज़ करते हो तो हमेशा ये चीज़ सोचते हो ना कि यार दुनिया क्या सोचेगी, यार मैं जिम में हैवी लगाऊं। ईगो लिफ्टिंग, मैं जिम की ही बात करूंगा, वहां से स्टार्ट करता हूं। ईगो लिफ्टिंग की बात आती है, ज़्यादा से ज़्यादा वेट पिक करने की कोशिश करते हैं लड़के। उनको ये भी पता है कि ज़्यादा लिफ्ट करने से जो अगर आपकी प्रॉपर फॉर्म नहीं हुई, बढ़िया फॉर्म नहीं हुई, तो स्पाइन की कोई इंजरी हो सकती है, आपके लिगामेंट्स जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ सकती है, बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। पर तब भी ईगो लिफ्टिंग करते हैं, तब भी ज़्यादा से ज़्यादा पिक करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं बताइए, क्यों करते हैं? क्योंकि दिखावा, सिर्फ दिखाने के लिए, अपना एक फेक स्टेटस सिंबल बनाने के लिए कि मैं बहुत ज़्यादा लिफ्ट करता हूँ। सिर्फ इस चीज़ के लिए आप ऐसी ऐसी नुकसान कर देते हैं अपनी बॉडी के साथ। कईयों को मेजर इंजरीज हो जाती है स्पाइन की, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि कभी वो शोल्डर का वर्कआउट फिर से नहीं कर पाएंगे, कभी चेस्ट में पैक्टेयर जिसको कहते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि चेस्ट का वर्कआउट डॉक्टर मना कर देता कि आप ना लगाएं, या 6 महीने की बेड रेस्ट। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी दिक्कत आ जाती हैं, इवन बेड रेड जिसको बोलते हैं कि बेड के लिए ही रह गया वो, बेड रिडन, हाँ वो वहीं पे, अब बेड पे उसको रेस्ट चाहिए प्रॉपर। हाँ, ऐसी चीज़ें से दिक्कतें इतनी बड़ी बड़ी क्यों सहन करते हैं? सिर्फ एक चीज़ के लिए कि मेरा फेक स्टेटस बने कि मैं बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट करता हूँ, और मैं अपने यूट्यूब पे या टिकटॉक पे या और किसी सोशल मीडिया पे ऐसी अपनी वीडियो डालूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लिफ्ट कर रहा हूँ। हालांकि हमें ये चीज़ भी पता है, और साइंस भी बता चुकी है, और मैं भी बता चुका हूँ, और कितने ज़्यादा यूट्यूबर बता चुके हैं, जो बॉडी बिल्डर भी बता चुके हैं, कि बहुत ज़्यादा लिफ्ट करने से, हैवी लिफ्ट करने से गारंटी नहीं है कि आपके मसल्स ज़्यादा ही बनेंगे। अगर आपकी रॉन्ग फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़िया नहीं है, स्ट्रेचिंग बढ़िया नहीं कर रहे, ठीक है, प्रॉपर फॉर्म जो नहीं होने, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो आपका जो है मसल बढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। और अगर आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़िया चाहिए, स्ट्रेचिंग वगैरह बढ़िया चाहिए, वो किससे होगी? लाइट वेट से होगी, इवन मॉडरेट वेट से होगी अगर कहें तो। अगर बहुत ज़्यादा हैवी लगाते हैं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, आज नहीं तो लॉन्ग रन में करना पड़ सकता है, ठीक है। बड़े बड़े नाम है, मैं किसी को नहीं कहूँगा, रॉनी कोलमन इतना बड़ा नाम है, और जो अचीवमेंट्स उन्होंने किए वो शायद ही बॉडी बिल्डिंग में कोई और कर पाएगा। पर थोड़ी सी गलती, बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट, हालांकि शायद उस हैवी लिफ्टिंग ने ही उनको इतना बड़ा नाम दिया होगा, पर अगर वो अगर इतना हैवी अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा उसमें नहीं देते, जिसको बोलते हैं रॉन्ग स्ट्रेस, तो शायद वो आज सेफ ज़िंदगी जी रहे होते, और शायद अभी भी कॉम्पिटिशन खेल रहे होते, जैसे डेक्स्टर जैक्सन अभी भी खेलते हैं, और अभी वो रिसेंटली रिटायर हुए हैं, ठीक है। तो सोचिए कि शायद आपकी, और हर कोई रॉनी कोलमन भी नहीं बन सकता। रॉनी कोलमन कहना बड़ा नाम, कहना मैं नहीं चाहता था, पर हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए कि मसल जो है लाइट से भी बन जाती है। काई ग्रीन भी लाइट वेट को ही ज़्यादा महत्व देता है, और भी बहुत बॉडी बिल्डर। तो सिर्फ कहने की बात है कि ईगो लिफ्टिंग से बचें, ठीक है। रॉनी कोलमन एक्सेप्शन हो सकती है कि आपने हैवी लिफ्ट किया और आप बहुत बड़े मसल्स आपने अचीव कर लिए, पर उनकी लाइफ इस टाइम थोड़ी प्रॉब्लम में है, तो इसलिए इसी प्रॉब्लम को समझें और ईगो लिफ्टिंग ना करें, अपनी कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह बढ़िया करें, स्ट्रेचिंग बढ़िया करें, और हो सके तो मॉडरेट वेट पे करें, और अगर हैवी लगाना ही है तो स्पॉटर वगैरह की सहायता से करें। तो बात आ रही थी कि आप जब ईगो लिफ्टिंग करते हैं वो क्यों करते हैं? सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, है ना। मैक्सिमम टाइम यही होता है लोगों को दिखाने के लिए, या अपने आप को एक फेक सिग्नल देने के लिए कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर रहा हूँ और सभी जो हैं मेरे से कम है जिम में। एक ये फेक सिग्नल के लिए हम बड़ी बड़ी दिक्कतें ले लेते। तो जब भी आप ऐसी चीज़ों पे सोचते हो कि दुनिया को दिखाना है, चाहे वो फेक सिग्नल है, चाहे वो, एक तो होती है अचीवमेंट बढ़िया वाली, जो आपने खुद अचीव किया, कुछ बढ़िया तरीके से अचीव किया, और एक सिर्फ स्टेटस सिंबल जो भी फेक है, जो कभी भी जा सकता है, वो जिससे बड़ी सी बड़ी दिक्कत लाई जा सकती है अपने शरीर में, या कोई अपनी आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तब भी आप ले लेते हैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। ये मिस्टेक, सबसे बड़ी मिस्टेक, आज ही बंद करें, ठीक है। और ये मिस्टेक जो है, जब आप बंद कर देंगे, आप देखेंगे कि आप फ्रीली जी रहे हैं, आप किसी के बारे में नहीं सोचते कि लोग मुझे क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे कि हाँ मुझे अच्छा अचीव करना है, ठीक है, सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखें, अपने माँ बाप, अपने माता पिता को ही खुश रखना है।
ना किसी लड़की को खुश रखना, ना अपने सराउंडिंग में जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके बारे में ये चीज़ सोचनी कि नहीं सिर्फ इनको दिखाने के लिए मैंने खुश रहना है, ऐसी चीज़ नहीं है। खुश रखना है तो सिर्फ अपने माँ बाप को, माता पिता को, और जब वो खुश होंगे तो आपने सिर्फ अपने बारे में ही सोचना है कि मुझे खुश रहना है, और वो खुशी मिलेगी सिर्फ अपने आप को अपने आप वैलिडेट करके कि हाँ अगर मैंने आज 80 kg का अच्छे तरीके से लगाया है तो मैं इसको धीरे धीरे ही ग्रेजुअली इंक्रीज़ करूँगा इस वेट को, ना कि एकदम इंक्रीज़ करके सिर्फ इंक्रीज़ करूँगा सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए इंक्रीज़ तो मैं कभी भी नहीं करूँगा। ये चीज़ आज से ही अपने एक जिसको बोलते हैं बिगेस्ट टिप है जो वो जेब में डालें कि सिर्फ खुश रखना है तो सिर्फ अपने आप को, ठीक है, अपने माँ बाप के बारे में सोचें, माता पिता को इज्जत दें, उनको खुश रखें, और उसके बाद सिर्फ अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को वैलिडेट खुद करना है कि हाँ मैं अचीव कर रहा हूँ, किसी को लोगों को दिखाने के लिए नहीं, या गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए या लड़कियों को पटाने के लिए, सिर्फ अपनी जो अचीवमेंट्स है सिर्फ अपने लिए रखनी है। हाँ, और जब आप खुद अचीव करना शुरू कर दोगे तो लोग अपने आप ही आपकी सक्सेस को देख के वो भी मोटिवेट होना शुरू हो जाएंगे, और ऐसी चीज़ें तो खुद ही आपके पीछे आने लग पड़ेंगी, ठीक है, और लोग आपको देख के खुश होना शुरू करेंगे, और इवन जेलसी भी होंगे लोग, तो आपने सारी चीज़ें तभी निगलेक्ट कर पाओगे जब आपका फोकस सिर्फ आपने आपको खुश रखना होगा। जब आप ये सोचो कि मुझे सभी को खुश रखना है, आप कभी भी सबको खुश नहीं रख पाओगे, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो कि हेट कमेंट करेगा, बुरा गंदा कमेंट करेगा आपकी वीडियो में, या फिर आपकी सक्सेस से जलने वाला होगा। तो ये बात नोट करें और खुश रहें, माता पिता को खुश रखें, और अपनी सक्सेस को, अपनी अचीवमेंट्स को खुद वैलिडेट करें, किसी और को दिखाने के लिए अपनी अचीवमेंट्स ना करें। आपका अपना जो गोल होगा अपने आप को खुश करने के लिए होगा। लव यू फ्रेंड्स, बाय। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर देना, मोटिवेशन मिली हो तो कमेंट कर देना। लव यू फ्रेंड्स, बाय।